नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अलग अलग एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे, किस तरह से उनको ओपन करते हैं, उसमें उनकी विंडोज जो हैं वो किस प्रकार की दिखाई देती हैं, किस तरह से आप उसमें काम शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, किस तरह से हमें अपनी ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये किस तरह से कंप्यूटर में डाले जाते हैं। या मान लीजिए, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था, जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रवेश करते हैं हमें एक इंटरफेस दिखाई देता है, एक ऐसा इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमको कार्य करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसमें हम चित्रों के माध्यम से हम चीज़ों को देख सकते हैं, हमें चीज़ें दिख रही हैं, हम चीज़ों को देखकर उनको सेलेक्ट करके और उनमें कार्य जो है अपना आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप आगे बढ़ेंगे, आप अलग अलग तरह की विंडोज़ यानी अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जब काम करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ भी आपको जो सॉफ्टवेयर के टूल्स हैं वो नज़र आएंगे, आप वहाँ से उनको चुन सकते हैं, उन ऑप्शंस को, उन कमांड्स को चुनकर कमांड्स दिए जा सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर से कार्य करवाना, किस तरह से करवा रहे हैं, कार्य करना बहुत आसान है, कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं हम। कैसे? हमें कमांड याद नहीं रखनी, हमें कमांड टाइप नहीं करनी, हमें कमांड की जो टूल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से उनको चुन सकते हैं हम, चुन कर क्लिक करके या एक एंटर की दबाकर हम उन कमांड्स को दे सकते हैं। कमांड्स की शॉर्टकट्स होती हैं, तो शॉर्टकट की मतलब कुंजी, यानी कि कीबोर्ड में लगी हुई शॉर्टकट की दबाकर हम वो कार्य कर सकते हैं, वो कमांड दे सकते हैं। जबकि जो कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं लाइक डॉस, यूनिक्स, उनमें आपको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि भाई कंप्यूटर से ये कार्य कराना है, ये कमांड देना है, तो इसके लिए हमें ये टाइपिंग करनी पड़ेगी, ये कमांड टाइप करनी पड़ेगी, ये इंस्ट्रक्शन टाइप करनी पड़ेगी। लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बहुत आसानी से कार्य कर पाएंगे, हम इसे सीख पाएंगे बहुत आसानी से, सब चीज़ें हमें दिखाई देंगी, हम वहाँ से उनको चुन सकते हैं और अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रवेश करते हैं, लॉगिन करते हैं, हमें मिलती है एक डेस्कटॉप स्क्रीन। उस डेस्कटॉप स्क्रीन पर होते हैं कई सारे आइकन्स और टास्क बार। टास्क बार पर लगे पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन को दबा के हम स्टार्ट मेन्यू इन्वोक करते हैं, और स्टार्ट मेन्यू में हमें दिखाई देते हैं कुछ कमांड्स कि हमें कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना है, या हमें अपने कंप्यूटर की जानकारी चाहिए, या हमारा कंप्यूटर जिस नेटवर्क पर है उसकी जानकारी चाहिए, या हमें अपने कंप्यूटर से संबंधित कोई सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स का क्या अर्थ है यहाँ पर? सेटिंग्स का अर्थ है कि जैसे हमें डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप पे हमें कोई बैकग्राउंड पिक्चर जो लगी रहती है वो चेंज करनी है, हमें अपनी फोटोग्राफ लगानी है, या कोई नेचुरल सीनरी हमें लगानी है, या कुछ कोई और अन्य पिक्चर, वो हम सेट कर सकते हैं कि क्या होनी चाहिए। इसी प्रकार से स्क्रीन सेवर के बारे में आपने जाना कि अगर हम स्क्रीन यानी कंप्यूटर को कुछ देर के लिए आइडल छोड़ते हैं तो वो स्क्रीन सेवर अपीयर हो जाता है, तो वो स्क्रीन सेवर कितनी देर बाद अपीयर हो, किस तरह का स्क्रीन सेवर अपीयर हो, राइट, ये सारी सेटिंग्स हमें करनी है। या जो अलग अलग एप्लीकेशंस हम ओपन करने वाले हैं वो कौन कौन सी हमारे कंप्यूटर में हैं, कोई नई इंस्टॉल करनी है, ये सब सेटिंग्स हो सकती हैं। या जो विंडोज़ हम ओपन कर रहे हैं उनका कलर कॉम्बिनेशन क्या हो वो हमें सेट करना है, तो ये सारी चीज़ें सेटिंग करने के लिए हम कंट्रोल पैनल जो है उसका चुनाव करते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू में आप जब जाएंगे तो आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से इस कंट्रोल पैनल में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे टू सेट आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सेटिंग्स करने के लिए आपको वहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। तो चलिए आज उसको ही ओपन करेंगे, कंट्रोल पैनल को, और ये बैकग्राउंड, विंडोज़ के कलर कॉम्बिनेशंस, स्टार्ट मेन्यू की लुकिंग, हमारे आइकन्स की लुकिंग, हमारे कंप्यूटर में जो जो प्रोग्राम्स हैं
उनको कैसे, अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम मुझे नहीं चाहिए, हटा देना है कंप्यूटर से, तो वो कैसे हटाया जाता है, तो कंट्रोल पैनल बेसिकली आज हम जानेंगे। कंट्रोल पैनल की बात करेंगे। कंट्रोल पैनल, इसमें जब हम इसको ओपन करेंगे तो कंट्रोल पैनल की एक विंडो ओपन होगी, जहां से आप बता सकते हैं कि कंट्रोल पैनल के द्वारा आप क्या चीजें सेट करना चाहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप। बैकग्राउंड, जिसको हम बोल सकते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये सेट कर सकते हैं आप। स्क्रीन सेवर की सेटिंग कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में कौन कौन से फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हैं उनसे संबंधित आपको सेटिंग्स देखनी है, आपको प्रोग्राम्स जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए, उनको अपडेट करना है, उनको डिलीट करना है, नए प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम का ऐड डिलीट अपडेशन, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपका जो कीबोर्ड और माउस है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इनसे संबंधित जो चीजें हैं वो आपको सेट करनी है, वो आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग कार्य हैं जो आप कंट्रोल पैनल से कर पाएंगे। तो चलिए कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं हम अपने इस कंप्यूटर में। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करना होगा। ये जो टास्क बार पर हमें दिखाई दे रहा है स्टार्ट पुश बटन, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये स्टार्ट मेन्यू आ गया। स्टार्ट मेन्यू में राइट हैंड साइड पर देखिए ये ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल पैनल, इसको चुनेंगे। और इस कंट्रोल पैनल से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये कंट्रोल पैनल की विंडो है और इसमें अलग अलग ये अपने कंप्यूटर की जो सेटिंग्स हमें एडजस्ट करनी है उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। आपकी विंडोज का कलर मैनेजमेंट, आपके जो डिस्प्ले हो रहे हैं कलर्स विंडोज पर, उस पर उसके आपके कलर्स आपको कॉम्बिनेशंस करने हैं चेंज। डेस्कटॉप गैजेट्स, आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर क्या क्या गैजेट्स इंस्टॉल्ड हैं उनके बारे में जानना है, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप एक एक करके जो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। कीबोर्ड, आपके कीबोर्ड की जो सेटिंग्स हैं उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं, कि जो कर्सर ब्लिंक करता है उसकी क्या रेट हो, वो तेजी से ब्लिंक करे या धीरे धीरे ब्लिंक करे, है ना। आप एक कुंजी को प्रेस करते हैं, दोबारा प्रेस करते हैं, उनकी जो रेट्स हैं वो आप सेट कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन यानी कि आप अपने कंप्यूटर के लिए पिक्चर्स, कलर्स, साउंड्स, ये सब सेट करना चाहें, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, आपको कंप्यूटर में आपकी सेटिंग्स करनी है कि किसको क्या परमिशंस हैं, आपके कंप्यूटर में कौन सी चीज़ कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, जो अलग अलग यूजर्स हैं, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अलग अलग यूजर से संबंधित एक्सेस राइट्स, एक्सेस प्रिविलेजेस जो होती हैं, यानी कि परमिशंस, कौन यूजर क्या क्या कर सकता है उसकी परमिशंस हम देना चाहें, लेना चाहें, वो चीज़ के लिए। डिवाइस मैनेजर, कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर्स हैं, उनकी सेटिंग्स करने के लिए। तो ये देखिए, ये तरह तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, अब आपको इनमें से चुनना होगा। जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर के इधर राइट हैंड साइड नोटिफिकेशन एरिया में डेट एंड टाइम डिस्प्ले होता है, वो आपको सेट करना है। देखिए डेट एंड टाइम आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेट एंड टाइम की ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ से आप डेट एंड टाइम यानी कि कंप्यूटर का डेट और टाइम आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है ये कुछ गलत आ रहा है या नहीं, मुझे डेट एंड टाइम ये रखना है, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। आप जाएंगे चेंज डेट एंड टाइम पर,
और फिर आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आया डेट एंड टाइम सेटिंग्स का। यहाँ से आप डेट को चुन सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, ओके बटन और कैंसिल बटन, ये दो बटन्स आ रहे हैं इस डायलॉग बॉक्स में। जो भी डायलॉग बॉक्सेस आप ओपन करेंगे आगे, वहां पर भी आपको इस तरह के बटन्स मिलेंगे। ओके का मतलब है कि जो आपने चेंजेस किए हैं उनको आप ओके कर रहे हैं, और कैंसिल का मतलब कि जो आपने अभी चेंजेस करे उनको कैंसिल कर दिया जाए। कैंसिल करना, तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो गया। तो यहां पर भी वही ओके और कैंसिल के हमारे ऑप्शंस हैं। अगर हम डेट एंड टाइम चेंज करेंगे तो एक बटन आ जाएगा अप्लाई, जो कि दिख रहा है लेकिन एक्टिवेट नहीं है, ये अभी आप इसको हाईलाइटेड नहीं है, इसका मतलब एक्टिवेटेड नहीं है, ये आप इसको नहीं चुन सकते। अगर आप कुछ चेंजेस करते तो अप्लाई बटन आ जाता, आप अप्लाई करके अपने कंप्यूटर के डेट एंड टाइम, समय को, डेट को चेंज कर सकते हैं, राइट। आप टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, आपको कहाँ का टाइम जोन रखना है अपने कंप्यूटर के लिए, वो चीज कर सकते हैं, राइट। तो सारे ऑप्शंस इस कंट्रोल पैनल में आ रहे हैं। कंट्रोल पैनल की जो ये लुकिंग है, जैसे यहाँ पर तो जितने भी चीजें हैं वो ऐसे लिखी हुई आ रही हैं। अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में साउंड रिलेटेड आपको सेटिंग्स करनी है, इंटरनेट संबंधित सेटिंग्स करनी है, वो सब चीजें यहाँ से, यह सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। इवन ये जो टास्क बार है, ये जो स्टार्ट मेन्यू है, इसकी लुकिंग चेंज करनी है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू। क्या कर सकते हैं आप, स्टार्ट मेन्यू को, टास्क बार को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मतलब कि हमारे अनुसार उसका डिस्प्ले हो। ये देखिए क्लिक करके देखते हैं एक बार, ये टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। डायलॉग बॉक्स में हमें वही ओके, कैंसिल, अप्लाई बटन्स मिल रहे हैं। हम चेंजेस करेंगे, चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, या फिर जो चेंजेस करे हैं उनको कैंसिल भी किया जा सकता है। टास्क बार की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। देखिए ये इनको बोलते हैं टैब्स। एक डायलॉग बॉक्स में आपके पास तीन तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, टास्क बार संबंधित, स्टार्ट मेन्यू संबंधित और टूल बार संबंधित। तो ये टास्क बार का टैब है, इसको बच्चों बोलते हैं टैब। इस डायलॉग बॉक्स में या विंडो हम कहें, इसमें हमारे पास ये तीन टैब्स आ रहे हैं। ये डायलॉग बॉक्स है और इसके अंदर ये तीन टैब्स हैं। पहले टैब पे क्लिक करेंगे तो टास्क बार संबंधित ऑप्शंस आ रहे हैं, दूसरे टैब पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू संबंधित ऑप्शंस मिलेंगे, और तीसरे पे टूल बार संबंधित ऑप्शंस। जिस बार पर सारे टूल्स यानी कि कमांड्स आपको टूल्स के रूप में दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं टूल बार, ठीक है। तो टास्क बार की अपीयरेंस क्या है, लॉक कर सकते हैं टास्क बार को। लॉक करने का क्या अर्थ है कि टास्क बार को आप कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। कैसे, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये टास्क बार है, टास्क बार को आप ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। देखिए अभी नीचे आ रही थी टास्क बार, अभी कहाँ दिखाई दे रही है, राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए स्टार्ट पुश बटन यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, तो ये टास्क बार पूरी शिफ्ट हो गई नीचे से इधर। आप इसको कहीं और प्लेस करना चाहें, अब की बार टास्क बार कहाँ आ गई, लेफ्ट हैंड साइड पर, ये देखिए। तो टास्क बार मूव हो रही है, वापस नीचे लाते हैं। कैसे कर रहे हैं हम ये कार्य, ये माउस का आइकन दिख रहा है आपको, एरो दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है आप माउस को प्रेस करिए, प्रेस करके रखना है और नीचे ड्रैग करना है तो ये टास्क बार नीचे आ जाएगी। वापस से करते हैं, कैसे किया, माउस का एरो दिख रहा है ये हिलता हुआ, टास्क बार पर ले गए, बटन प्रेस किया, कौन सा, लेफ्ट बटन। सारे काम लेफ्ट बटन से ही करने हैं, जब हम बोलेंगे बटन अर्थात लेफ्ट बटन, जो स्पेशलाइज काम करने हैं वो राइट बटन से होते हैं, और हम बताएंगे कि यहाँ पर आपको राइट बटन प्रेस करना है। तो कैसे करा हमने, लेफ्ट बटन को प्रेस करा और ऐसे हिलाते हुए माउस को, एरो को ले गए ऊपर, ये टास्क बार यहाँ आ गई, अब माउस का बटन रिलीज कर दिया, वापस जहां लेके जाएंगे, जहां भी आप चाहें लेफ्ट राइट डाउन आप इस तरह से प्लेस करके माउस का बटन छोड़ देंगे। तो ये क्या हो रहा है,
कि आपकी टास्क बार मूव कर रही है, लेकिन अगर आपने टास्क बार को लॉक कर दिया, ये देखिए टास्क बार को अगर हम लॉक कर देंगे, लॉक द टास्क बार, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, अब अगर मैं कोशिश कर रही हूं तो भी नहीं ले जा पा रही, ये देखिए कोशिश कर रही हूं मैं टास्क बार को लेफ्ट या राइट साइड ले जाने की, लेकिन नहीं ले जा पा रही क्योंकि टास्क बार लॉक हो गई। वापस से हम क्या करते हैं, ये जो लॉक का ये चेक बॉक्स है, इसको बोलते हैं चेक बॉक्स, चेक कर दिया, दोबारा क्लिक करेंगे अनचेक हो जाएगा, यानी कि अब आपने टास्क बार का लॉक जो था वो खोल दिया, अप्लाई करा, ओके करा, डायलॉग बॉक्स बंद हो गया। चलिए टास्क बार को ले जाने की कोशिश करते हैं और देखिए टास्क बार अब मूव हो रही है क्योंकि हमने इस पे से लॉक हटा दिया, राइट। इसी तरह से ये देखिए कोई भी डायलॉग बॉक्स या विंडो ओपन हुई है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया और ले गए इसको जहां मर्जी प्लेस करना है और छोड़ दिया, तो ये यहाँ आ गई। विंडो को नीचे रखना है, नीचे, ऊपर, जहां मर्जी आप इसको प्लेस कर सकते हैं विंडोज को। ऑटो हाइड द टास्क बार, ऑटो हाइड करेंगे तो जब हम कोई काम करेंगे, कोई और विंडो पे जाएंगे तो टास्क बार हाइड हो जाएगी और नीचे जाएंगे तो टास्क बार दिख जाएगी। चलिए इस ऑप्शन को चुनते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके। देखिए टास्क बार दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, कर्सर को माउस के द्वारा हम इस एरो को नीचे ले गए, टास्क बार दिखाई दे रही है, यानी कि जब टास्क बार वाले एरिया पे जाएंगे तब टास्क बार दिखाई देगी, ऊपर विंडो पे आते ही टास्क बार चली गई। ऑटो हाइड मतलब अपने आप छुप रही है हमारी टास्क बार, तो ये ऑटो हाइड की वजह से है। आप इसको अनचेक कर देंगे यानी कि ये कभी भी हाइड नहीं होगी, टास्क बार हमेशा दिखती रहेगी, आप चाहे कितनी भी विंडोज ओपन कर लीजिए टास्क बार हमेशा नजर आएगी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप अलग अलग ऑप्शंस को पढ़ के उनको ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से स्टार्ट मेन्यू से संबंधित ऑप्शंस यहाँ आ रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब टास्क बार दिखाई दे रही है हमें, है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें ये कंट्रोल पैनल की विंडो हमने बंद कर दी, ये जो डेस्कटॉप हमें दिखाई दे रहा है, इस डेस्कटॉप पे क्या लगी है, कोई बैकग्राउंड इमेज, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, हम कोई नेचुरल सीनरी लगाना चाहते हैं मान लीजिए, तो क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल से भी हम ये काम कर सकते हैं। एक और तरीका है, ये डेस्कटॉप है, इस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर शॉर्टकट मेन्यू आएगा। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक, किसी भी चीज पर जाकर राइट क्लिक करने पर उससे संबंधित ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जैसे ये आइकन दिखाई दे रहा है, इस आइकन पर राइट क्लिक करेंगे तो हमको इस एप्लीकेशन से संबंधित जो कमांड्स हैं वो दिखेंगे। हमने एक फाइल चुनी है, फाइल को ओपन करना है, एडिट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कट करना है, क्या करना है, वो चीज हम बता सकते हैं यहाँ से। तो राइट क्लिक करके स्पेशल मेन्यू, शॉर्टकट मेन्यू लिया जाता है। तो ये बैकग्राउंड पिक्चर लगी है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं, कई चीजें कर सकते हैं, उसमें से लास्ट में शॉर्टकट मेन्यू में क्या आ रहा है, पर्सनलाइज, इसको चुनते हैं। ये देखिए अभी भी क्या खुला है, कंट्रोल पैनल की विंडो खुली है, कंट्रोल पैनल की विंडो यहाँ आ गई है, लेकिन कंट्रोल पैनल में हम कौन से ऑप्शन के अंदर है, पर्सनलाइजेशन। ये देखिए कंट्रोल पैनल में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपने कंप्यूटर की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन का अर्थ है कि उसको अपने मन मुताबिक आप कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आ रहा है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। अब पर्सनलाइजेशन में क्या क्या करना है, डिस्प्ले बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना है या कुछ और करना है, तो हमने कहा चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये देखिए ये कंप्यूटर में जो अलग अलग डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स हैं,
जो अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पिक्चर है, इसको हमने चुन लिया और हमने कहा सेव चेंजेस, चेंजेस सेव हो गए, दिखाई देंगे। चलिए इस विंडो को क्लोज करते हैं। ये देखिए पहले बैकग्राउंड पे कोई और पिक्चर हमें नज़र आ रही थी, लेकिन अब कोई और पिक्चर नज़र आ रही है। तो ये हमने कैसे किया, ये हमने चेंज की है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये जो डेस्कटॉप है यहीं पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज चुनिए शॉर्टकट मेन्यू से। तो यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में हमें मिल रहे हैं अलग अलग डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स, हम इनमें से कोई से भी बैकग्राउंड्स चुन सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये ऑप्शन आ रहा है नेचर, इसको हमने चुन लिया, राइट। चलिए विंडो को मिनिमाइज करते हैं। ये देखिए अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड कुछ और आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर जब आप इस विंडो को खोलेंगे, यहाँ पे एक तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शंस है, एक विंडो कलर, आपको विंडो का कलर क्या रखना है वो आप बता सकते हैं, कोई साउंड्स आपको रखनी है। इसी तरह से यहाँ पर स्क्रीन सेवर की ऑप्शन आ रही है, उसको भी आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने कंप्यूटर की जो लुकिंग है वो आपके हाथ में है कि आप किस तरह की लुकिंग रखना चाहते हैं, राइट। तो बच्चों कंट्रोल पैनल के द्वारा हम अपने कंप्यूटर की विभिन्न सेटिंग्स जो हैं उनमें फेरबदल कर सकते हैं, राइट। तो आप चाहे तो राइट क्लिक कर लीजिए या स्टार्ट मेन्यू पर जाकर वहां से हम चुन लेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर हमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम उसके लिए ऑप्शन चुनेंगे, अगर हमें कोई और कार्य करना है कंट्रोल पैनल के माध्यम से। तो कंट्रोल पैनल जो है उसमें हमें अपनी इस विंडोज को अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करना है, हमें कस्टमाइज करना है, उसके लिए ऑप्शंस मिलते हैं हमारे इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, इवन हमें उनको ऐड या डिलीट करना है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, तो उनको आगे देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक हमने यहाँ पे ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम कंट्रोल पैनल से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए वापस से अपने कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमें कंट्रोल पैनल में मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम देख रहे थे कि ये देखिए इस तरह से हमारे सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ये कंट्रोल पैनल की भी अलग अलग प्रकार की लुकिंग आती है, ये अलग अलग कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे सिस्टम और सिक्योरिटी रिलेटेड कैटेगरी, नेटवर्क एंड इंटरनेट रिलेटेड एक कैटेगरी आ रही है। तो पहले हमने इस तरह से देखा था, यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज देख रहे हैं, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं जैसे भी आपको इसकी लुकिंग चेंज करनी हो। जैसे आप अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो आपको उससे संबंधित ऑप्शंस दिखाई देंगे, इसी तरह से क्लॉक, लैंग्वेज, रीजन, इससे संबंधित कैटेगरी है। तो हमने कहा था कि एक कैटेगरी ऐसी है जिससे आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और आप उनको ऐड या डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी जो आ रही है प्रोग्राम्स, इसको आप चुनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करके आप उसको कंप्यूटर से हटा सकते हैं। कोई प्रोग्राम जो है, जो सॉफ्टवेयर है, वो इस कंप्यूटर में डालने के बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने का मतलब क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर में अपने संबंधित सारी चीज़ें कर ले, वो आपके कंप्यूटर में रेडी टू यूज हो जाए। भाई आप जो खाना खाते हैं पहले उसको पकाते हैं फिर खाते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप जो सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाल देने से ही कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर पर। जो सॉफ्टवेयर्स हम काम में लेते हैं, यूजर काम में लेता है, उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। उन सॉफ्टवेयर्स को अगर हमें कंप्यूटर से हटाना है तो डिलीट नहीं करा जाता, उनको अनइंस्टॉल करेंगे पहले, राइट? अनइंस्टॉल करने पे वो हमारे कंप्यूटर से हट जाएंगे। और इसी तरह से कंप्यूटर में उनको काम में लेने के लिए आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो वो ऑप्शन यहाँ आ रहा है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, व्यू इंस्टॉल्ड अपडेट्स, रन प्रोग्राम्स, हाउ टू इंस्टॉल अ प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, राइट? तो देखिए अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम आप करेंगे तो ये सारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में इस समय इंस्टॉल्ड हैं, पड़े हुए हैं, वो सब दिखेंगे। आप इनमें से कुछ प्रोग्राम को चुन के इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप कोई नया सॉफ्टवेयर, नया प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। राइट? तो इसके लिए हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन हमने करा कि हमने ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज कर लिया। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं? हम अपने कंप्यूटर की थीम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चेंज द थीम पे हम गए तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के लिए जो थीम सेट है उसको आप चुन सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड ये वाला आ रहा है, आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड कोई और लगाना है तो आप उसको चुन सकते हैं, राइट? तो ये देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है चेंज हो गया। तो इस तरह से किया जा सकता है, राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से स्क्रीन सेवर, आपको अपने कंप्यूटर के लिए कौन से स्क्रीन सेवर लगाने हैं, ये देखिए हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, स्क्रीन सेवर सेटिंग्स। स्क्रीन सेवर सेटिंग्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने स्क्रीन सेवर की सेटिंग्स हम कर सकते हैं कि कौन सा स्क्रीन सेवर आएगा, कितनी देर तक कंप्यूटर आइडल रहने पर स्क्रीन सेवर आना चाहिए, वो भी हम बता सकते हैं। तो ये देखिए
स्क्रीन सेवर, ये सारी स्क्रीन सेवर की लिस्ट आ रही है यहाँ पर। 3D स्क्रीन सेवर, ब्लैंक स्क्रीन सेवर, बबल, जो एक बार क्लास में मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन सेवर कि हमने कंप्यूटर पे काम नहीं किया, तो ये देखिए बबल्स का स्क्रीन सेवर, बबल्स बने हुए घूम रहे थे। देखिए बबल्स हमने चुना, इसको प्रीव्यू करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बबल्स दिख रहे थे, तो ये बबल्स स्क्रीन सेवर है। इसके अलावा मिस्टिफाई, फोटोज, रिबन्स, तो ये अलग अलग प्रकार के स्क्रीन सेवर हैं। इसको आप प्रीव्यू करके मैं आपको दिखाती हूँ। प्रीव्यू किया, ये देखिए इस तरह से ये स्क्रीन सेवर अपीयर होता है। और जैसे ही आप कोई एक्टिविटी करेंगे कंप्यूटर में, तो ये स्क्रीन सेवर चला जाएगा। 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट में आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं और वो टेक्स्ट फिर रोटेट होता है। ये देखिए प्रीव्यू करते हैं, ये इस तरह का टेक्स्ट आ रहा है। तो अगर आपको एक 3D टेक्स्ट क्या लिखना है, किस तरह का टेक्स्ट आना चाहिए, वो सेटिंग करनी है, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स। प्रीव्यू करने के लिए प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर हमें जैसे 3D टेक्स्ट हमने चुना, अब इससे संबंधित सेटिंग करनी है कि भाई टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आना चाहिए, इसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, इसकी रोटेशन का टाइप कैसा होना चाहिए, स्पिन, सीसॉ, वॉबल, टम्बल, ये आप बता सकते हैं। इसकी रिजोल्यूशन, इसका साइज, इसकी रोटेशन की स्पीड, इसका कलर, ये सब चीजें आप सेट कर सकते हैं। ओके करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। अभी हमने चेंज किया, हमने कहा सीसॉ, इसका रोटेशन जो है वो सीसॉ स्टाइल में होना चाहिए, तो इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। तो ये अलग अलग स्क्रीन सेवर्स हैं, आप चुन सकते हैं इनमें से कोई सा भी और उसको स्क्रीन सेवर के रूप में लगा सकते हैं, राइट? आप कोई भी चीज चेंजेस करेंगे, अप्लाई करेंगे उसको, अगर आप उसको अपने कंप्यूटर में अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, कैंसिल, अगर आपको जो आपने किया है ठीक है ओके करेंगे, और अगर ये चीज नहीं करनी जो अभी आपने चीजें करी है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, राइट? इसी तरह से आपकी जो विंडो हैं उनके कलर कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, विंडो का बॉर्डर कौन से कलर का आना चाहिए, स्टार्ट मेन्यू किस कलर का दिखना चाहिए, टास्क बार कौन से रंग की दिखनी चाहिए। चलिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से चुना पीला रंग, ठीक है, कलर की इंटेंसिटी आप हाई लो कर सकते हैं, राइट? सेव चेंजेस, चेंजेस सेव करेंगे तो ये जो चेंजेस आपने किए हैं ये सेव हो जाएंगे, राइट? अब यहाँ से कोई विंडो हम ओपन करेंगे, तो ये देखिए ये जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं उसी हिसाब से आएंगे। तो किस तरह से करते हैं, आप कंट्रोल पैनल से अपनी जो कंप्यूटर की लुकिंग है या जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो सेट कर सकते हैं, या फिर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से हम चुन सकते हैं पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइज, पर्सनलाइज में आप डेस्कटॉप के आइकन्स चेंज कर सकते हैं, माउस का पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, आप जो पिक्चर है वो चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। डिस्प्ले करना है किस तरह की इसकी लुकिंग रखनी है आइकन्स की, वो आप सेट कर सकते हैं, राइट? वापस से कंट्रोल पैनल, ये देखिए इस विंडो में यहाँ पर क्लिक करा, ये हमारे पास कंट्रोल पैनल की अलग अलग कैटेगरीज आ गई। अपीयरेंस में आप थीम चेंज करना, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन का रिजोल्यूशन, स्क्रीन का रिजोल्यूशन आप सेट कर सकते हैं, राइट? इसी तरह से प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है, हमारे कंप्यूटर से सिक्योरिटी संबंधित ऑप्शन हमें सेट करने हैं, वो सारी चीजें कंट्रोल पैनल से की जा सकती हैं। तो ये चीज क्लियर है। और देखिए जब भी हम कोई विंडो ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन करी, तो
कोई भी विंडो आप ओपन करेंगे, आपको सबसे ऊपर क्या नजर आता है, टाइटल बार। और राइट हैंड साइड पर तीन बटन्स मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर और कैंसिल के बटन। विंडो को मिनिमाइज करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगी और टास्क बार पर एक बटन के रूप में दिखेगी। इस बटन पर पुनः क्लिक करके हम अपनी विंडो को प्राप्त कर सकते हैं। रीस्टोर करेंगे तो विंडो छोटी हो जाएगी और मैक्सिमाइज करने पर ये स्क्रीन को पूरा घेर लेगी। तो विंडो को छोटा या मैक्सिमाइज किया जा सकता है, और क्लोज करेंगे तो विंडो हमारी क्लोज हो जाएगी। और ये चीज़ आपको हर एक में नज़र आएगी, कोई भी आप यहाँ से जो अपने प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन जो भी चलाएंगे उन सब में इसी तरह का लुक एंड फील आपको मिलेगा। तो चलिए दूसरे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं इस कंप्यूटर में वो जानने के लिए हम ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम्स में हमने क्लिक किया, ये स्क्रॉल बार आ रही है, आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनको चुनकर उनको रन कराया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमें कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर भी है यहाँ पर, तो उसके लिए आप जाएंगे एसेसरीज में। एसेसरीज में आपको देखिए कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आपको साउंड रिकॉर्डिंग करनी है, आपको लेटर लिखना है, आपको पेंटिंग एप्लीकेशन चाहिए, ये सब मिलेगी आपको एसेसरीज में। एसेसरीज में सबसे ऊपर आ रहा है कैलकुलेटर, ये देखिए ये कैलकुलेटर आ गया। साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए तो वो भी चुन सकते हैं। ये मेन्यू आ रहा है आपके पास यहाँ पर, मेन्यू, इस मेन्यू बार पर अलग अलग मेन्यूज हैं। आपने कहा व्यू, व्यू संबंधित मेन्यू आ जाएंगे। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर चाहिए या साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए वो आप चुन सकते हैं। स्टैंडर्ड इस तरह का आएगा, आप ये देखिए माउस के द्वारा हम यहाँ पर नंबर चुन रहे हैं, इन नंबर्स पर हमें क्या करना है वो हम बता रहे हैं, और इस तरह से कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। व्यू पर क्लिक करेंगे और इसमें से चुनेंगे साइंटिफिक, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास आ गया। अब हम इस तरह की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, राइट? तो इसको बोलते हैं, सबसे ऊपर जो बार होती है वो क्या कहलाती है, टाइटल बार। टाइटल बार पर राइट हैंड साइड मिलेंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के बटन। उसके नीचे मेन्यू बार, मेन्यू बार पे क्या मिलते हैं, मेन्यूज। और अगर इस एप्लीकेशन में कोई टूल्स अवेलेबल हैं तो टूल बार्स भी आ सकती हैं। तो कौन सी एप्लीकेशन आपने चुनी है उससे संबंधित आपको मेन्यूज और टूल बार्स नजर आएंगे। कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप इजीली, कैलकुलेटर काम में ले सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है आपको माउस के द्वारा, प्लस माइनस क्या करवाना है और फिर आउटपुट चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे करी जा सकती है। इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे क्या लिखना है, मुझे एक लेटर लिखना है, या मान लीजिए मुझे कोई पेंटिंग बनानी है, तो उसके लिए भी हमें ऑप्शंस जो हैं वो मिलेंगे, एप्लीकेशंस मिलेंगी, सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। ऑल प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से चुनेंगे एसेसरीज। एसेसरीज में जाने पर आपको अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं वो दिखाई देंगे। जैसे हमने अभी कैलकुलेटर का प्रोग्राम रन किया, अगर हमें पेंटिंग बनानी है तो हम पेंटिंग एप्लीकेशन चुन सकते हैं, अगर हमें लेटर लिखना है तो हम नोटपैड काम में ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है नोटपैड, इसको आपने चुना, अब यहाँ पर आप अपना जो लेटर है वो टाइप कर सकते हैं। इस विंडो में भी आपके पास सबसे पहले क्या आ रही है, टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार। टाइटल बार के राइट हैंड साइड आपको मिल रहे हैं तीन बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन, राइट? मैक्सिमाइज रहे विंडो तो रीस्टोर का ऑप्शन आ जाएगा, विंडो को छोटा करके आप उसमें काम कर सकते हैं। मेन्यू बार में आपको मिलते हैं अलग अलग मेन्यूज, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, तो ये अलग अलग
हमें क्या मिल रहे हैं, मेन्यूज, और ये सारे मेन्यूज कहाँ अवेलेबल हैं, मेन्यू बार पे, राइट। तो बच्चों जब भी हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो हमें इस प्रकार की एक विंडो दिखाई देती है, राइट। और इस विंडो में हमें सबसे ऊपर टॉप पर मिलती है टाइटल बार। टाइटल बार पर लिखा रहता है कि हमने कौन सी एप्लीकेशन ओपन करी है, और इसके राइट हैंड साइड हमें मिलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन। विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या फिर क्लोज यानी कि बंद कर सकते हैं। इस टाइटल बार के ठीक नीचे हमें या तो मिलेगी मेन्यू बार जहां से हम कमांड दे सकते हैं, या फिर हमें मिलेगी टूल बार। टूल बार पर लगे होते हैं अलग अलग टूल्स, टूल्स के आइकन्स आते रहते हैं, उन टूल्स को, उन आइकन्स को चुनकर आप कमांड दे सकते हैं, या फिर मेन्यू बार पर आपको जो अलग अलग मेन्यूज मिलते हैं उनसे आप अलग अलग कमांड्स दे सकते हैं। और इसके नीचे फिर आपके पास एरिया होता है, जैसे मान लीजिए हमने लेटर लिखना है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन ओपन करी है, तो यहाँ हमें कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। हम कर्सर को आगे पीछे कर सकते हैं, हम यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। अगर ये कोई पेंटिंग एप्लीकेशन है तो हमें पेंटिंग के टूल्स दिखेंगे, पेंटिंग संबंधित ऑप्शन दिखेंगे, और एक एरिया दिखेगा कैनवास एरिया जहाँ पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, राइट। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम हैं तो विंडो का जो रूप है, जो लुकिंग है, लुक एंड फील है, वो एक जैसा हमें मिलेगा, राइट। तो बच्चों आज हमने कंप्यूटर को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करके अपनी पकड़ बना सकते हैं, राइट। चलिए आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।